मैडम, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तुम लोग क्या समझते रहते हो, उधार चाहिए? हम लोग अमीर आदमी हैं, तो क्या हमारे पास कुबेर का खजाना है? पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? दरअसल मैडम, मेरी बहन की शादी है, जरा सा मदद कर देती तो बहुत अच्छा होता। भीख मांग रहे हो? नहीं नहीं मैडम, मैं तो उधार मांग रहा हूँ। मैं तो आपका पाई पाई लौटा दूंगा। कैसे चुकाओगे? औकात तो है नहीं तुम्हारी अपनी बहन की शादी करवाने की। भीख मांग के शादी करवा रहे हो और बोल रहे हो पाई पाई चुका दो। जाओ, मैं कुछ मदद नहीं कर सकती। कोई नहीं मैडम, चलता हूँ, शुक्रिया। अरे अरे सुनो सुनो, रुको। अब मुझे शुक्रिया कह के, अच्छा वाला बिहेवियर दिखा के मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं मैडम, आप ये क्या बोल रही हैं? चुप करो। तुम जैसे दूध वाले को ना मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। जब पैसा नहीं मिला तो बदला लेने का अच्छा तरीका ढूंढा है। नहीं मैडम, आप गलत सोच रही हैं। क्या गलत सोच रही हूँ? मैडम, बचपन में मैंने अपने पापा से सीखा था कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, इंसान को कभी अपना स्वभाव बुरा नहीं रखना चाहिए। अरे जाओ यहाँ से। दूध वाला होके बड़ी बड़ी बातें करते हो। ठीक कहा मैडम, हम लोग तो इंसान ही नहीं है, हम लोग तो दूध वाले हैं। गलती हो गई जो आपसे मदद मांगी। रुको, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? देखो स्नेहा, अगर तुम पैसा नहीं देना चाहती तो ठीक है, लेकिन तुम उसके साथ ऐसे बदतमीजी से पेश नहीं आ सकती हो। और रहा बात उधार की, वो जरूर चुका देगा। आखिर तो इंसान ही तो इंसान के काम आता है। तुमने भी तो शादी किया है, तुम्हें तो पता रहना चाहिए कि शादी में कितने खर्च होते हैं। वो बेचारा बहुत मजबूर हो गया होगा, तब जाके इसने तुमसे पैसे मांगे। तुम्हारा नसीब अच्छा है, तुम्हारा जन्म अच्छे भले खानदान में हुआ था। सबका नसीब एक जैसा नहीं होता है स्नेहा, जिंदगी में जो मिला है उसकी कदर करना चाहिए। आज इसकी मदद की ज़रूरत है, कल हो सकता है तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत पड़ सके। हाँ, और एक बात, इसके पापा ने बहुत अच्छी बातें कहा है, वक्त बदलते देर नहीं लगती, समझी ना? चलो ठीक है भाई, तुम जा सकते हो, जाओ और अपनी बहन की शादी धूमधाम से मनाओ। चलो